तरफ पूरा खानसार कत्ती के लिए लड़ मरने को तैयार था, दूसरी तरफ हजारों शौर्यंगा उसी गत्ती को जलाने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन देवा ने वही गत्ती वर्दा को दिलाने का वादा किया था, लेकिन उस गत्ती पे बैठने का हक देवा का है। सलार पाटिल सुरंगा परमा जो सबसे हाईली एंटीसिपेटेड मूवी बन चुकी है, फिर सर नील के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म सलार, जहां प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य किरदार में नजर आए थे, जो आगे चलकर दोनों ही दोस्त कट्टर दुश्मन में बदलने वाले हैं। एंड डेफिनेटली हमें दोनों के बीच भरपूर एक्शन भी देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है इरशान दिल और उनकी टीम ने पहले ही कुछ हिस्से की शूटिंग कर ली थी, जिसमें टीनू आनंद के द्वारा सुनाया गया डायनासोर का डायलॉग भी शामिल है, जबकि लोगों को उम्मीद थी कि ये सीन सलार पार्ट 1 में हो सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये सीन सलार पार्ट 2 का हिस्सा होने वाला है। यहाँ तक कि गन्स और बम के कुछ एक्शन सीन टीजर में दिखाए गए थे, लेकिन अब देखने पर लग रहा है कि 100% ये सीन सलार पार्ट 2 का हिस्सा होने वाला है। सलार के रिलीज के बाद से फिल्म के मेकर्स सलार 2 की फिलहाल शुरू नहीं किए, फिलहाल दिन फिल्म की सफलता का आनंद उठा रही है और हाल ही में स्टार कास्ट के साथ बेंगलुरु में सक्सेस पार्टी में देखने को मिल भी चुके हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे सलार पार्ट 2 सुरंगा परमा इस मूवी की शूटिंग तब शुरू होगी जब प्रभास अपनी अगली फिल्म कालकी को रिलीज कर देंगे। फिलहाल इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है और अनुमान लगाया जाए तो कालकी मूवी हमें 2025 में देखने को मिल सकती है, जिसके बाद प्रभास और पृथ्वीराज अपनी दमदार परफॉर्मेंस के साथ सलार को एक अलग ही ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। और अब बारी है इस मूवी के सीक्वल की, जहां पार्ट 1 से भी ज्यादा खतरनाक एक्शन सीक्वेंस और ड्रामा देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों आप सब सलार पार्ट 2 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।